हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, फिर अपना आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। जो अपना आज के क्लास है, जो लास्ट क्लास है इस टॉपिक की, क्लासिफिकेशन। और आज इसमें सब मिक्स क्वेश्चन करेंगे अपन, लेटर, नंबर और आपके पास में वर्ड क्लासिफिकेशन के, तीनों के मिक्स क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, फिर अपना आज की क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों देखो, लास्ट क्लास में अपन जहाँ तक पढ़ रहे थे उससे आगे का आज प्रोग्राम अपन करते हैं। तो जहाँ तक लास्ट क्लासिफिकेशन की बात है, अपन ने बताया था मैंने कि क्लासिफिकेशन ओड वन आउट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड वन आउट, जो दिया गया है बेमेल जो है उसको अलग करना। क्या करना दोस्तों, बेमेल को अलग करना आपको। क्या बेमेल जो दिया गया है उसको क्या करोगे, अलग छाटोगे। अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन में, तो मैंने आपको बताया था कितने प्रकार का होता है क्लासिफिकेशन, चार, वर्ड का होता, लेटर का होता, नंबर का होता और डायग्राम का होता। तो डायग्राम वाला अपन नॉन वर्बल के साथ करेंगे, बाकी का अपन अभी करेंगे। राजेश कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजेश। हाँ तो देखो, आज का अपन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए में से अलग कौन है, जो आपको दिया गया इसमें से अलग कौन है। जो आपके सामने चार नंबर लिखे हुए हैं, इन चारों नंबरों में दोस्तों अलग कौन आएगा, ये बताना आपको। जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या दे रखा, 65 है, 85 है, 35 और 25, इन चारों में से दोस्तों अलग कौन होगा, बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके, इन चारों में अलग कौन आएगा। बहुत ही आसान सा आपका क्वेश्चन है, सब लोग आप बता सकते हो इसमें कि अलग कौन होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके, दिए गए में से अलग कौन है। 85 राजेश, 85 कैसे है, 85 कैसे आएगा अलग, मुझे तो ये बताओ 85 आपने किस व्याप पे अलग किया, 85 अलग आपने किस व्याप पे किया। देखो 65 दे रखा, 85 दे रखा, 35 दे रखा, 25 दे रखा, और आपने 85 अलग किया, किस बेस पे आपने 85 अलग किया। तो ध्यान रखना, पहली प्रायोरिटी हमेशा स्क्वायर को मिलती है, ये चीज याद रखना दोस्तों, पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, स्क्वायर को मिलती है। क्लियर, किसको मिलती है, स्क्वायर को। तो इसमें से अलग कौन होगा पहली प्रायोरिटी के आधार पे, 25 इसमें से अलग होगा दोस्तों। कौन होगा अलग इसमें से, 25 अलग होगा, ध्यान रखना कौन सा अलग है, 25 को अलग किया जाएगा। स्क्वायर दिया गया है, कौन दिया गया दोस्तों, स्क्वायर दिया गया, इसलिए अलग कौन होगा, 25 नहीं कि 85, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है, बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ यहां तक राजेश कोई समस्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी से कीजिए, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, क्या इसमें से अलग होगा। कितना दे रखा दोस्तों, 12 दे रखा, 32 दे रखा, 40 दे रखा और 89 दे रखा है, तो दोस्तों इसमें से अलग कौन है। हाँ जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें से अलग कौन है, और एक क्लास को लाइक और शेयर भी कर दे साथ के साथ, मजा आ जाएगा लाइक और शेयर करने में। जल्दी से बताओ इसमें से अलग कौन है, इसमें से अलग कौन होगा आपके सामने जो लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया दोस्तों आपके पास, वापस से 12 लिखा गया है, कौन कौन है, 12 है, 32 है, 40 है और 89, जल्दी से बताइए इन चारों में से अलग कौन है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ आंसर जल्दी से, कौन आएगा अलग। हाँ दोस्तों कौन है इन चारों में से अलग, कोई आइडिया है, क्या कोई आइडिया इसमें है दोस्तों, किसी को कोई आइडिया कि कौन होगा चार इनमें से अलग। देखो अगर बात करें यहां पर दोस्तों, अलग होगा 89, अलग कौन होगा 89, अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या। क्लियर है, कौन सी संख्या, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए अलग कौन आएगा दोस्तों इसमें से 89। क्लियर हुआ क्या मामला, कोई दिक्कत, अलग कौन है इसमें से 89 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, बिल्कुल सी आंसर नहीं है राजेश, डी आंसर आएगा, सी आप किस व्याप पे दे रहे 40, 89 आएगा, भाज्य अभाज्य संख्या। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताना आपको क्या आंसर होगा। हाँ
जल्दी से बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, क्या आंसर आना चाहिए इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपको कि दे रखा 63, 81, 121 और 225, अलग कौन होगा। हाँ दोस्तों, इसमें से अलग कौन है जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्या। हाँ बताओ कौन सा आएगा आपके पास में। 225 है, 121 है, 81 है और आपके पास में 63 है। इन चारों में से अलग कौन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो आपको पता होना चाहिए। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 15 का स्क्वायर है क्या। ये किसका स्क्वायर है, 11 का। ये किसका स्क्वायर दोस्तों, 9 का स्क्वायर। 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों स्क्वायर और क्यूब के व्याप पे सबसे पहले अपन अलग करेंगे। किसके व्याप पे, स्क्वायर और क्यूब के व्याप पे। तो इसमें अलग कौन आएगा दोस्तों, 63 अलग होगा। कौन अलग होगा, 63 अलग होगा। क्लियर राजेश, कोई समस्या। तो इसमें से अलग कौन होगा, 63। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसमें से अलग कौन होगा। 9, 42, 48 और 20, 9, 42, 48 और 20 में से अलग कौन आएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ कमेंट कर इसमें से अलग कौन होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, 9 है, 42 है, आपके पास 21 है और सॉरी 48 और 20 है। 9, 42, 48 और 20 अलग कौन होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। इन चारों में से अलग कौन आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से कमेंट कर इन चारों में से अलग कौन होना चाहिए। और जो लोग नए जुड़े हैं क्लास को एक बार लाइक भी कर दे साथ के साथ। हाँ लाइक और शेयर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों आसान सा है क्या क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन है। बहुत ही प्यारा सा आंसर है। देखो क्या दे रखा है इसमें, इसमें दोस्तों अलग 9 होगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए अलग कौन है, 9 होगा। क्लियर है क्या, अलग कौन आएगा इसमें दोस्तों, 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें से बताओ कौन सा अलग हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बिल्कुल ही बच्चों वाला सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसमें से अलग कौन होगा। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए इसमें से अलग कौन आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, कितना दे रखा आपके पास में इस क्वेश्चन की अगर बात करें, आपका दिया हुआ 16, 25, 35 और 39। तो इस चारों में से अलग कौन होगा, 16, 25, 35 और 39 में से अलग कौन आएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। इन चारों में से अलग कौन होगा, बता सकते हो क्या दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन होगा, कौन होगा अलग। अरे देखो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ये दोस्तों 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 35 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया दोस्तों। आंसर कौन आएगा, सी आएगा। क्लियर है क्या, आंसर कौन होगा, सी होगा क्या अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा इसमें बताओ। 144, 169, 196, 210 इन चारों में से दोस्तों अलग कौन होगा। 210 चारों से, जल्दी से बताओ अलग कौन सा है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही बच्चों वाले से। कैसे हैं, बिल्कुल ही बच्चों वाले से क्वेश्चन है क्या, बताइए फिर इसमें से अलग कौन होगा। जल्दी से बताओ कमेंट कर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक आज इतने कम लाइव कैसे हैं बच्चे, सब लोग जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ, वरना तो हर रोज तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहती है। हाँ जल्दी से लाइव आ जाइए और इसके बाद अपनी कंटिन्यू फोकस एकेडमी के ऊपर वापस से लाइव क्लास है 7 बजे से रीजनिंग की। माँ मैराथन चल रही है वनपाल की, वो भी ज्वाइन करें इस क्लास के बाद। जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्या देर का दोस्तों, 12 का स्क्वायर है क्या। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। ये दोस्तों 14 का स्क्वायर है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया दोस्तों इसका, डी आ गया क्या। क्लियर है क्या, हाँ दोस्तों तो इसका आंसर कौन आएगा, डी आएगा क्या। कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, डी आंसर आएगा। क्लियर है क्या, कोई समस्या दोस्तों, कोई समस्या थोड़ी है। तो इसका आंसर कौन आएगा, डी, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें दोस्तों, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और जो लोग नए साथीगण जुड़े क्लास को लाइक और शेयर भी कर दें, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आंसर होगा। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा आपके पास 131, 256, 196, 225, जल्दी से बताओ क्या आएगा। इन चारों में से अलग कौन होगा? हाँ दोस्तों कौन आएगा इन चारों में से अलग? यदि अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है क्या दोस्तों? ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 16 का स्क्वायर। किसका? 16 का। 131 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, एक से लेकर 20 या 25 तक मिनिमम आपको। और यदि आप SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो तो एक से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और एक से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। क्लियर? एक से लेकर 30 स्क्वायर, एक से लेकर 20 क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कौन आएगा। हाँ 11, 8, 14 और 66 अलग कौन सा होगा इसमें? हाँ दोस्तों इसमें से अलग कौन सा आएगा? इस क्वेश्चन के दो आंसर बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के कितने आंसर बनेंगे? दो आंसर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो अपन अभी देखते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन के कितने आंसर बन रहे हैं? दो। कौन कौन से? जल्दी से बताओ मुझे क्या दे रखा। 11, 8, 14 और 66 इनमें से अलग कौन होगा? जल्दी से आंसर। 11 प्रियंका, ओके बिल्कुल। और कोई आंसर? तो देखो इसके आंसर दो आंसर बनते हैं। एक तो दोस्तों बनता है 11, कितना बनता है 11, और एक इसका 8 भी बनता, क्योंकि 8 क्या दे रखा है यहां पर? क्यूब दिया हुआ है। 8 क्या दिया हुआ है यहां पर? क्यूब दिया हुआ, इसलिए 8 भी इसका आंसर बन सकता है। लेकिन यहां प्रायोरिटी अब किसको मिलेगी? अभाज्य संख्या को मिलेगी। किसको मिलेगी दोस्तों? अभाज्य संख्या को। अब इसका आंसर कौन आ गया आपके पास में? 11 आ गया। क्लियर है क्या? अब इसका आंसर क्या आएगा? 11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि यहां पर 11 नहीं होता, कोई और भाज्य संख्या होती, तब अपने आंसर क्या करते? 8 करते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आंसर आएगा। हाँ जल्दी से देखिए क्या आंसर होगा इसका। कितना दे रखा है? 68, 88, 102 और 238। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बच्चों वाला सा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। जो लोग नए जुड़े एक बार क्लास को लाइक भी कर दें, लाइक और शेयर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दे रखा है दोस्तों आपके सामने? 68 दे रखा है, 88 दे रखा है, 102 दे रखा है, 238 दे रखा है। इन चारों में से अलग कौन होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ यहां पर भाजकता का नियम चलेगा दोस्तों, ध्यान रखना। क्या चलेगा यहां पर? भाजकता का नियम चलेगा। क्या चलेगा? भाजकता का। बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा, जिसको अपन कहते हैं वह क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्या आंसर आना चाहिए? 102। बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। यहां दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा 88। 17 की भाजकता का नियम, यह 17 से भाज्य होता है। 17 × 34, 17 × 51, 17 × 4, 4 बार डिवाइड होता है। यह भी 17 से डिवाइड है, यह भी 17 से डिवाइड है। 17 की भाजकता का नियम चलेगा यहां पर। 88 अलग आएगा। कौन सा लगाएगा? 88 अलग आएगा, ध्यान रखना। यहां पर कौन सा लगा रहा है? 88 नहीं कि 102। 102 में 17 का भाग जा रहा है, तो यहां पर 17 की भाजकता का नियम चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 72, 45, 81 और 28। कौन सा आंसर होगा इसका? शाबाश, जो लोग नए आए एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दे, साथ के साथ लाइक और शेयर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। कमेंट कर सब लोग आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। 72, 45, 81 और 28। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका हूं ऐसे आसान आसान क्वेश्चन। क्या आएगा? सबसे पहले ध्यान रखना किसको प्रायोरिटी मिलती है, ध्यान रखना।
स्क्वायर और क्यूब को प्रायोरिटी मिलती है? गलत आंसर, स्क्वायर और क्यूब को पहली प्रायोरिटी मिलती है। सबसे पहले अपन स्क्वायर और क्यूब के आधार पर अलग छाटेंगे दोस्तों, ध्यान रखना किसके आधार पे, स्क्वायर और क्यूब के आधार पे अलग छाटेंगे, देन अपन अभाज्य संख्याओं के ऊपर जाएंगे। तो यहां पर स्क्वायर दे रखा है क्या, कौन दे रखा है, 81, कौन दे रखा है, नो की डिविजिबिलिटी का नियम, बिल्कुल। अच्छा कौन आ रखे आपके पास, इनका क्या नाम है, पवन, 81। देखो पहली प्रायोरिटी अपन देते हैं यहां पर भाजक, आपके पास में स्क्वायर क्यूब, यहां 81 है, लेकिन यहां पर साथ में एक नियम और भी चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। 81 तो यहां पर है लेकिन बाकी दोनों संख्याएं भी 9 से भाज्य है, तो यहां पर डबल नियम चल रहा, भाजकता का साथ में स्क्वायर का साथ में, और जब दो नियम एक साथ में चल रहे हो दोस्तों तब अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, 28 को देंगे, क्लियर है। वैसे अगर 28 नहीं होता तब अपन इसमें या इनमें से कोई भी एक संख्या यहां पर आपके पास 35 भी होती तब अपन यहां पर देते, लेकिन यदि स्क्वायर के साथ में भाजकता चल रही हो तब अपने पास है दोनों को मिलाकर अपन आंसर देंगे, तब अब इसका आंसर राइट कौन सा होगा, न कि ये, अब इसका आंसर दोस्तों 28 है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने पहले आपको ये कहा था कि पहले 81 को प्रायोरिटी देंगे लेकिन साथ में भाजकता का नियम भी चलाएंगे, क्लियर है, शाबाश, 28 आंसर बिल्कुल राइट था, नो की डिजिबिलिटी का नियम सही है लेकिन साथ में स्क्वायर भी ध्यान में रखना आपको, क्लियर, दोनों का आंसर सही था, प्रियंका एंड पवन का, बट ये चीज। और जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं की वो लाइक भी कर दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल्दी से सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन में फंसोगे दोस्तों आप लोग, इस क्वेश्चन में फंसने वाले हो, क्या आंसर आएगा बताओ, 8, 38 आपके पास में नेक्स्ट दे रखा है, 49 और 35, क्या चलेगा इसमें, हाँ दोस्तों इसमें बताओ मुझे क्या चलेगा, यहां पर स्क्वायर भी दे रखा दोस्तों, क्यूब भी दे रखा है, स्क्वायर भी दे रखा और क्यूब भी दे रखा, अब किसको अलग करोगे, सर स्क्वायर और डिजिबिलिटी रूल में फर्स्ट नहीं, अगर स्क्वायर और क्यूब दोनों आपके पास स्क्वायर या क्यूब है साथ में भाजकता है तब अपन दोनों को ही मिलाकर अलग करेंगे और बची हुई संख्या को अपन अलग करेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर अपने पास देखा कि स्क्वायर और स्क्वायर भी चल रहा था और भाजकता भी चल रही थी, तो वहां पर दोनों वो संख्या आपके पास से डिविजिबिलिटी का नियम आ जाएगा, फिर वहां पर क्या आ जाएगा, डिविजिबिलिटी का नियम। यदि जैसे मैं आपके साथ में संख्या लिख देता हूं, जैसे आपके पास लिख दी 45, 35, 81 और 28, ये आपके सामने संख्या लिख दी, क्या लिख दी, यहां पर आपके पास 35 और आपके पास ये जो संख्या लिखी है, अब यहां पर आपके पास डिविजिबिलिटी का नियम नहीं लागू होगा, यहां पर कौन सा लागू होगा, अब यहां पर सिर्फ स्क्वायर का नियम चलेगा, क्योंकि दो संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य नहीं है, जो डिविजिबिलिटी का नियम का पालन नहीं करी, इस कंडीशन में 81 आंसर। और यदि यहां पर आपके पास है 35 की जगह मान लेते हैं 63 होता, 63, अब आपके पास ये तीनों डिविजिबिलिटी का नियम का पालन कर रही हैं, तो आपके पास में अब 28 आएगा, सेकंड ऑप्शन आपके, अच्छा 8 अलग, 8 कैसे पवन, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ये, एग्जाम के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, एग्जामिनर जो मानता है मैं भी उसी नियम को ही मानता हूं। हाँ एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर का मूड हुआ, एग्जामिनर ने 81 आंसर मान लिया ना, आप क्लेम नहीं कर सकते उसमें भी, मान सकता है, क्लासिफिकेशन ऐसा टॉपिक है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड है, यदि आपकी और एग्जामिनर की थॉट मिल गई तो आपका आंसर 100% सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। हाँ ये बताओ 8, 38, 49 और 35 में से अलग कौन सा होगा, ध्यान रखना यहां पर, यहां पर अब देखो अगर मैं यहां बात करूं स्क्वायर और क्यूब में, ये दोनों संख्या 7 से भाज्य हैं, वैसे दोनों क्या दोस्तों 7 से भाज्य हैं, और अगर बात की जाए ये दोनों संख्याएं 2 से भाज्य हैं, 2 से है डिवाइड, अब अपन किसको अलग करेंगे, अब दोस्तों ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी अब क्यूब को देंगे अपन, अब किसको देंगे पहली प्रायोरिटी, अपन क्यूब को देंगे, ध्यान रखना किसको देंगे अपन पहली प्रायोरिटी दोस्तों, क्यूब को देंगे, क्लियर है क्या, कोई समस्या, हाँ अगर किसी क्वेश्चन में स्क्वायर और डिविजिबिलिटी 3 है, और हम ध्यान रखना पहले आपके पास है 3 की डिविजिबिलिटी सबसे लास्ट में लगती है,
तीन की डिविजिबिलिटी सबसे लास्ट में लगती है, तीन और दो की जो भाजकता का नियम है यह सबसे एंड में लगता है, जब कुछ भी नहीं होता तब इनका लगता, ये चीज ध्यान। और जब दोनों साथ में हो ना तब आप जो तीसरी संख्या बच गई ना उसको उठा दो, उसको आंसर कर दो, क्लियर है। हाँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चलो ये बताओ, ये भी आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान सा, देखता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कौन कौन लोग करेंगे, हाँ जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। और जो लोग नए जुड़े क्लास को लाइक और शेयर भी कर दे, साथ के साथ लाइक और शेयर भी करते रहे। हाँ क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहे साथ के साथ, और तुरंत आपकी एक क्लास और लाइक लाइव होगी 7 बजे से, वापस से रीजनिंग की क्लास है, लेकिन वो अपने फोकस वाला के एप्लीकेशन उस पर नहीं है चैनल पर दोस्तों, वो आपकी है। अच्छा 117, ओके अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्लास 7 बजे से आपकी फोकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस से अपनी मैराथन क्लास चल रही है वन पाल वन रक्षक के लिए, वो भी आप ज्वाइन करें, इस क्लास के बाद में रीजनिंग की शुरू होने वाली है। हाँ जल्दी से कितना रखा आपके पास है, 143 171 117 195। हाँ दोस्तों क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 13 की डिविजिबिलिटी चल रही है, 13 की भाजकता का नियम चल रहा है यहाँ पर। हाँ कौन सा चल रहा है, 13 की भाजकता का नियम, ध्यान रखना ये 13 से ड्यूजेबल है, ये भी 13 से ड्यूजेबल है दोस्तों, ध्यान रखना। ये अगर बात करें 13 से ड्यूजेबल, अगर इसमें बात करें 13 और आपके पास 13 55 65, बिल्कुल है 171 13 से ड्यूजेबल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना 171 13 से ड्यूजेबल नहीं है। 13 का अगर अपने 171 में भाग दोगे 13 का, तो 13 एकम 13 और बच गए 4 और 1 41, भाग नहीं जा रहा तो 13 3 39, फिर भी रिमाइंडर 171 आएगा, नहीं 171 13 की भाजकता का नियम चलेगा पवन, हाँ अरुण दोनों ध्यान रखो 13 की भाजकता का नियम, ध्यान रखना इस चीज का, कौन सा चल रहा है 13 की भाजकता का नियम चलेगा यहां पर, क्लियर है। कौन सा चल रहा है 13 की डिविजिबिलिटी का नियम चलेगा, और जो नए लोग आए हो क्लास को लाइक और शेयर करें साथ के साथ, समझ में आया ये। हाँ 143 डिविजिबल है, ध्यान रखना 143 डिविजिबल है सर, टेबल याद नहीं है, टेबल तो याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल 13 का पाड़ा तो वैसे ही आधे लोगों को याद नहीं रहता, हाँ टेबल तो याद करनी पड़ेगी, उसका सर के पास में कोई भी तोड़ नहीं है, सर के पास में सिर्फ इतना तोड़ है, मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, ये आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों में काम में आएंगे, ध्यान रखना है आपके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो तो नेक्स्ट बताओ क्या आएगा आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, इससे आसान कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। हाँ जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा, 9 3 7 5, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। देखो ध्यान रखना यहां पर स्क्वायर भी चल रहा है, भाज्य अभाज्य भी संख्या चल रही है, भाज्य शाबाश, अरे 9 ही आपके पास में भाज्य संख्या, डिविजिबल संख्या, ये स्क्वायर है, ये तीनों तो नॉन डिविजिबल नंबर है, अभाज्य संख्या है तीनों, तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो आंसर कौन आएगा दोस्तों, ए आएगा, ध्यान रखना आंसर कौन आएगा, ए आएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाँ जिन्होंने अभी तक फोकस वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर फोकस वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, SSC CGL का कोर्स वहां पर दे रखा है, परचेज कर लीजिए, क्लियर, SSC CGL का कोर्स वहां से परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो सबसे आसान क्लासिफिकेशन आपके पास में चल रहा है, अब ये सबसे आसान, इनमें से चारों में से अलग कौन है ये बताओ, इन चारों में से अलग कौन है, इससे आसान वर्ड क्लासिफिकेशन सबसे आसान होता है, ध्यान रखना दोस्तों, वर्ड और लेटर, अब बताओ इसमें से अलग कौन है, क्या दे रखा, सोना स्टील
आपके पास में लोहा और टिन अलग कौन है? हाँ दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन है जल्दी से बताओ। सोना आएगा, स्टील आएगा, या आपके पास में लोहा आएगा, टिन आएगा? जल्दी से बताओ अलग कौन होगा इन चारों ऑप्शनों में से? अलग बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा अलग है? अच्छा स्टील, शाबाश, स्टील यहां पर बिल्कुल राइट आंसर। क्यों स्टील? देखिए स्टील इसलिए राइट आंसर, ये आपके पास मिश्र धातु है। क्या दोस्तों? मिश्र धातु है, दो धातुओं का मिलाकर बनाया गया आपके पास। क्लियर? तो स्टील आंसर आ जाएगा यहां पर। क्लियर है क्या दोस्तों? वैसे ध्यान रखना यहां पर सोने को भी अलग कर सकता है एग्जामिनर, एग्जामिनर सोने को भी अलग कर सकता है क्योंकि आभूषण है। हाँ बिल्कुल, गोल्ड भी हो सकता है, लोहा नहीं होगा कभी भी। ध्यान रखना लोहा नहीं होगा पवन, गोल्ड भी आंसर सही हो सकता है और आपके पास स्टील भी सही हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना, गोल्ड और स्टील दोनों आंसर सही है। डिपेंड ऑन एग्जामिनर, डिपेंड ऑन एग्जामिनर के मूड के ऊपर, उसकी मेंटेबिलिटी क्या कहती है। वो गोल्ड को भी सही मान सकता है और स्टील को भी सही मान सकता है, दोनों सही है। कोई भी क्लेम नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में आप एग्जामिनर के ऊपर कि आपने ये सही क्यों माना। उसका अपना लॉजिक हो सकता है, उसका अपना लॉजिक हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं हूं मेरे अकॉर्डिंग स्टील सही है, और अगर मैं कह दूं कि सोना सही है तो वो भी सही है। क्लियर? हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए जल्दी से बताओ इसका अलग कौन सा आएगा। इसमें तो सबका एक ही तरीका होगा, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो क्या दे रखा है? शॉर्ट का दे रखा है, लॉन्ग, छोटे का बड़ा दे रखा है आपके पास में, मैन का वूमेन, हल्के का भारी, लाइट का हैवी, और अपराध का, क्राइम का अगर आपके पास है ब्लेम, अलग कौन होगा? जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन होगा दोस्तों। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए अलग कौन होगा। अपोजिट लेटर याद होने चाहिए आपको। क्या याद होने चाहिए दोस्तों? अपोजिट लेटर क्या याद होंगे? अपोजिट लेटर से आपको करना है। तो अपोजिट लेटर से कैसे करोगे ध्यान रखना। देखो छोटे का अपोजिट बड़ा होता है, बिल्कुल सही। आदमी का अपोजिट औरत, हल्के का अपोजिट भारी, दोष का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष। इसका अपोजिट होता है निर्दोष। क्लियर? तो अपराध का अपोजिट होता है आपके पास निरपराध, या आपके पास में तो अलग कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है डी, इसका आंसर है निर्दोष। अपराध करने का मतलब आपका अपोजिट होगा निरपराध, आपके पास है अपराध नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाँ जल्दी से बताओ राजा, रानी, शाही और राजकुमार, किंग, क्वीन हो गया, रॉयल हो गया, आपके पास प्रिंस हो गया, जल्दी से शाबाश, इसका आंसर बताओ कौन सा आएगा। हाँ बिल्कुल, प्रिंसमेंट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताओ कौन सा आएगा, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। नहीं, अपराध का अपोजिट पनिशमेंट नहीं होता है अरुण, अपराध का अपोजिट पनिशमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। बिल्कुल रॉयल आंसर, बिल्कुल सही आंसर, सी रॉयल, शाही, ये तीनों ही क्या है? शाही खानदान होता है, रॉयल होते हैं तीनों ही। क्लियर? कौन होते हैं? रॉयल। नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया, 16-12 कैसे आ रहा, जल्दी से बताओ। हाँ आम, सेव, संतरा, अमरूद, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, और आपके पास वे गेव अमरूद, जल्दी से बताओ इसका अलग कौन सा होगा इनमें से। हाँ क्राइम का, हाँ क्राइम का अपोजिट पनिशमेंट, बिल्कुल सही है, क्राइम का अलग होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, आम, सेव, संतरा, अमरूद, इन चारों में से अलग कौन होगा? जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन चारों का अपोजिट बताओ जल्दी से। और जो नए जुड़े हैं वो क्लास को लाइक शेयर भी करें। मैंगो, शाबाश, कौन आएगा अलग? मैंगो, बिल्कुल सही है। एप्पल, क्यों एप्पल क्यों होगा? हाँ पवन, एप्पल क्यों होगा ये बताओ, मैंगो क्यों नहीं होगा?
सर्दियों में एप्पल ज्यादा आ रखे इसलिए एप्पल क्यों होगा, मुझे ये बताओ जल्दी से। अलग इसमें एप्पल क्यों होगा, मैंगो नहीं हो सकता क्या? अरे फलों का राजा आम कहलाता है, फलों का राजा क्या कहलाता है? आम कहलाता है। क्लियर, ध्यान रखना, फलों का राजा क्या कहलाएगा आपका? आम कहलाएगा। तो इसमें से अपोजिट कौन आएगा, जल्दी से बताओ अपोजिट, तो ध्यान रखना। अच्छा बाकी सारे बहुत स्लाइड वाले हैं, ओनली मैंगो जूस किसने का? एप्पल का जूस बनता है, बना सकते हैं एप्पल का, एप्पल का भी बना सकते हो, ध्यान रखना। मैंगो आएगा, फलों का राजा मैंगो। जूस आप किसी का भी निकाल सकते हो, इंसान का भी जूस निकाला जा सकता है। क्लियर, हाँ जूस बनता है इसका एप्पल का। क्लियर, एप्पल का भी जूस बनता है, ये ध्यान रखना, एप्पल का भी जूस बनता है। जिस प्रकार आप अमरूद का जूस बनाते हो वैसे ही एप्पल का भी जूस बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, कौन सा अलग होगा? क्या दे रखा आपके पास में? कैरम दे रखा, गोल्फ, क्रिकेट और हॉकी, अलग कौन आएगा? हाँ बीज, नहीं बीज के आधार पे नहीं, एप्पल जूस मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल है, एप्पल का मिलता है मार्केट में। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आएगा, हाँ जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कैरम, गोल्फ, क्रिकेट और हॉकी। और कल से अपना बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं कल, ध्यान रखना। एग्जाम में हर जगह से क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन में एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ध्यान रखना। हाँ कौन सा आएगा? कैरम, बिल्कुल सही आंसर है कैरम, इसका अलग कौन होगा? कैरम, क्योंकि कैरम इंडोर गेम है, ध्यान रखना। कैरम क्या है? ये इंडोर गेम है, और ये बाकी तीनों ही आउटडोर गेम है, खुले मैदान में खेलने वाले, बिल्कुल इंडोर और आउटडोर गेम, कैरम अलग होगा इसका। क्लियर है, तो कौन सा अलग आ गया? कैरम। नेक्स्ट देखो, हाँ जल्दी से बताओ कौन सा अलग होगा? स्याही, कलम, धूल, वैक्यूम क्लीनर, धूल, वैक्यूम क्लीनर, हॉकी नहीं होगा उसका, कैरम होगा। हाँ पेट्रोल, कार आपके पास में, पेट्रोल, पेट्रोल कार, विद्युत, टेलीविजन, जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ कौन सा अलग आएगा? बिल्कुल कैरम, इसमें बताओ स्याही, कलम, धूल से वैक्यूम क्लीनर, पेट्रोल कार, विद्युत, टेलीविजन, इन चारों में से अलग कौन होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या है या नहीं? हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, शाबाश। जो लोग नए जुड़े वो भी लाइक भी करते रहे साथ के साथ क्लास को, और शेयर भी करते रहे, ध्यान रखना। देखो स्याही से कलम चलती है, पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविजन चलता, धूल से वैक्यूम क्लीनर थोड़ी चलता है, धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता, बी आंसर आएगा, ध्यान रखना, धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता। क्लियर है, तो यहां पर कौन सा आंसर आएगा? बी। स्याही किसमें यूज ली जाती है आपके पास में? कलम में, पेट्रोल कार में, विद्युत में आपके पास यूज ली जाती है, टेलीविजन में, धूल वैक्यूम क्लीनर में थोड़ी काम में ली जाती है, नहीं। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? बी, बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मत समझो कि वैक्यूम क्लीनर आपके पास क्लीन करने के लिए, घरों के अंदर जो आपके पास मिट्टी साफ करते हो वही वैक्यूम क्लीनर का काम है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हाँ ये बताओ, आलमारी, मेज, कुर्सी और बेंच, इन चारों में से अलग कौन होगा? आलमारी आपके पास में, मेज, कुर्सी और बेंच, इन चारों में से अलग कौन होगा? जल्दी से बताइए इन चारों में से अलग कौन आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, बता सकते हो क्या, क्या आंसर आएगा इसका? आलमारी हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, ए आंसर, बिल्कुल सही, ये आलमारी आपके पास में अलग है, कौन है दोस्तों इसमें? आलमारी अलग है। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? कौन सा अलग है इसमें दोस्तों? आलमारी अलग होगा अपना,
क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अपन इसमें आगे वाले क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके आंसर दें नेक्स्ट क्वेश्चन के भी। हाँ फोकस, जिन्होंने अपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ले जल्दी से। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्या दे रखा आपके पास नेक्स्ट में? पुस्तक, पत्रिका, अनुच्छेद और अखबार, कौन सा आएगा जल्दी से बताओ दोस्तों, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ही आसान सा है, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। हाँ दोस्तों, क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से बताओ कमेंट कर इसका क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के जो सामने क्वेश्चन है। हाँ क्या आएगा इसका आंसर? क्या दे रखा? पुस्तक, पत्रिका, आपके पास अनुच्छेद और अखबार। अखबार आर्टिकल, शाबाश। आर्टिकल क्यों? मुझे तो बताओ आर्टिकल ही क्यों है, आर्टिकल क्यों दे रखा? देखो बिल्कुल सही है, पुस्तक भी आपके पास है पढ़ने के लिए, अखबार भी पढ़ने के लिए, और अखबार भी आपके पास में रीड करने के लिए होता है, तो अलग कौन है दोस्तों, इसमें आर्टिकल है। क्लियर? अखबार में भी आर्टिकल आता, पुस्तक में भी आर्टिकल आता, और आपके पास में पत्रिका में भी आर्टिकल आता है। क्लियर? शाबाश, तो आर्टिकल आंसर होगा। गुड, सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, बताओ जल्दी से ये बताना आंसर, देखता हूं कितने लोग बता पाते, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत आसान सा है, जल्दी से बताओ दोस्तों क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो नए साथीगण जुड़े एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दें। आर्टिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो अलग है आपके पास में, आर्टिकल वाल। आर्टिकल का मतलब होता है अपन कुछ भी कहते हैं, क्या पढ़ रहे हो कि मैं ये इस चीज का आर्टिकल पढ़ रहा हूं। जो भी आप लेख लिखते हो ना वो भी एक आर्टिकल ही होता है, आपके पास जो भी लेख लिखते हो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, आर्टिकल ही बोला जाता है। क्लियर? संविधान वाले आपके पास जरूरी नहीं वही हो, आर्टिकल। नाक, कान, जीभ और दांत, अलग कौन होगा? नाक, कान, जीभ और दांत। हाँ दोस्तों टीथ, ओके। और कोई आंसर जल्दी से बताओ? नाक, देखो नाक, कान, जीभ और दांत, अलग कौन होगा इसमें दोस्तों? ध्यान रखना, अलग कौन होगा? कान, ईयर। कौन से हैं? कान होगा। बिल्कुल, दांत को भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, गलत आंसर। दांत भी हो सकता है और आपके पास में कान, दोनों आंसर राइट है। ध्यान रखना, दांत और कान दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल राइट होंगे। क्लियर है? दांत और कान दोनों राइट, लेकिन यहां ज्यादा प्रायोरिटी अपन कान को देंगे। क्लियर है? किसको देंगे अपन? कान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तना, पत्ती, फूल और जड़। तना, पत्ती, फूल और जड़, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तना, पत्ती, फूल और जड़ दोस्तों, हाँ जल्दी से आंसर बताइए। और जो नए साथीगण जुड़े एक बार क्लास को लाइक शेयर भी करते रहे साथ के साथ। हाँ बताओ जल्दी से, तना, पत्ती, फूल और जड़ अलग कौन होगा? हाँ जल्दी से बताओ इसमें से अलग कौन आएगा? दांत और कान दोनों, सर इसका लॉजिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टीथ भी हो सकता है, टीथ गलत नहीं है, टीथ भी सही है, टीथ भी सही है और ईयर भी सही है, दोनों सही है। अब प्रायोरिटी के हिसाब से कौन किसको क्या आंसर मानेगा? क्लियर? फ्लावर नहीं, तना, पत्ती, फूल और जड़, इनमें से अलग कौन है? हाँ तो दोस्तों इसका अलग कौन सा आएगा? ध्यान रखना, रूट्स क्या होंगे? जड़ होंगे। इसका आंसर कौन होगा? जड़। क्लियर? हाँ जड़ होगा, फूल नहीं होगा, यहां पर फ्लोर नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? जड़ मानेंगे, ध्यान रखना, किसको मानेंगे? जड़। ये तीनों ही आपके पास में पौधे के आपके पास, तो रूट्स इसका आंसर होगा। बिल्कुल राइट, क्लियर है? फूल नहीं, रूट्स ज्यादा बेटर आंसर है। हाँ, कैसे गलत कैसे हो रहे आज, कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ रूट्स ज्यादा बेटर आंसर है। क्लियर है?
क्या आएगा, रूट्स ज़्यादा बेटर आंसर, फ्लावर नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, जल्दी से बताओ फिर क्या आएगा, चमेली, सूरजमुखी, कमल और गुलाब, जल्दी से बताओ इन चारों में से आंसर कौन सा सही होगा। चमेली होगा आपके पास में, सूरजमुखी होगा, सनफ्लावर होगा आपके पास, कमल होगा या गुलाब होगा, जल्दी से बताओ। अच्छा क्यों, आपके पास जमीन के अंदर और जमीन के बाहर का लॉजिक लगा सकते हैं, पर कि ये जमीन के अंदर है बाकी जमीन के बाहर है, या फिर वो रूट्स आपके पास में पेड़ का आपके मेन पार्ट है, मेन पार्ट आपके पास यदि रूट्स ही नहीं है तो ना तना होगा, ना ही पत्तियां होंगी, ना ही आपके पास ब्रांचेज होंगे, ना ही फूल होगा, ना ही फल होगा, मैन उसका आपके पास सनफ्लावर, शाबाश। सूरजमुखी का फूल, जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखो दोस्तों यहां पर दो आंसर बन रहे, यहां पर दो आंसर दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। सनफ्लावर बताया है वो भी सही है, और अगर आपने बात देखो चमेली का तेल आता है, सुना होगा आपने चमेली का तेल, सूरजमुखी का भी तेल निकला जाता है, गुलाब आपके पास ज्यादा ध्यान रहेगा, कमल ये पानी में लगता है, बाकी तीनों पानी के बाहर लगने वाले हैं। ये कहाँ लगता है दोस्तों, पानी में, और बाकी तीनों कहाँ लगते हैं, पानी के बाहर। क्लियर है क्या, हाँ या ना, क्लियर। सनफ्लावर और हाँ बिल्कुल, सनफ्लावर भी हो सकता है लॉर्ड्स, बिल्कुल सनफ्लावर आपके पास, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेटर कमल, ज़्यादा बेटर आंसर होता कमल ज़्यादा, सनफ्लावर सेकेंडरी है। यदि यहाँ पर आपके पास कमल नहीं होता तो अपन सनफ्लावर पे जाते, कमल नहीं होता तो सनफ्लावर पे जाएंगे अपने पास, ध्यान रखना। क्लियर, कौन आएगा, सनफ्लावर आएगा, सॉरी कमल आएगा, ये पानी में लगता है और बाकी तीनों जमीन के ऊपर लगने वाले हैं। क्लियर, कोई समस्या यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से कीजिए। हाँ, गिटार, सारंगी, बांसुरी और वीणा, इन चारों में से अलग कौन है। अब फंसोगे इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, बहुत ही आसान सा है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए इसका। गिटार है, सारंगी है, बांसुरी है और वीणा है, हाँ जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, लेकिन वहां पर तभी कह रहा हूं क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास में, क्लासिफिकेशन के अंदर ध्यान रखना, आपका और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यदि सेम है तो आंसर सही जाएगा, और यदि दोनों की थॉट अलग अलग है तो वहीं पर आप का क्वेश्चन गलत होगा, ध्यान रखना है। लेकिन जनरल जो चीजें हैं वो आपके पास में, क्योंकि वहां पर सनफ्लावर की बजाय कमल ज्यादा बेटर आंसर होता। क्लियर, हाँ अच्छा बिल्कुल सही आंसर है, बांसुरी। क्या बांसुरी, यह फूक मारकर बजाने वाली है, क्या फूक मारकर, बाकी को अपन क्या बजाते हैं, हाथ से वाद्य यंत्र आपके तारन जिसमें होती है, गिटार भी, सारंगी भी, आपके पास वीणा। क्लियर, लगभग तीनों का एक ही तरीके से अपन यूज लेते हैं वाद्य यंत्र। जब आप राजस्थान कल्चर पढ़ते हो या कल्चर जब पढ़ते हो उसमें यंत्र पढ़ते हो, वाद्य यंत्र पढ़ा जाता है कल्चर में, क्या पढ़ते हो, वाद्य यंत्र पढ़ते हो, तो वहां पर ये काम में आता, ध्यान रखना। तो आपके पास कौन आएगी, बांसुरी इसमें लगाएगी जिसमें आप फूक मारकर बजाते हो आपके इसको। नेक्स्ट, हाँ ये बताओ, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, हाँ जल्दी से, सब्जियों के नाम है, इन सब्जियों के नाम में अलग कौन होगा। चलो इसके साथ एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, छोटा सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और केरल, अलग कौन सा बताओ, इन चारों में से अलग कौन है। बिल्कुल शाबाश, सही आए, हाँ बिल्कुल, टूट वाद्य यंत्र, इन चारों में से अलग कौन, बिल्कुल इसका आंसर टमाटर ए।
इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वेस्ट बंगाल, आगे आपके पास दे रखा कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपके पास में केरल, इन चारों में से अलग बताओ, अलग कौन सा होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन चारों में से अलग कौन होगा? बिल्कुल शाबाश, लाल लाल टमाटर सही था पिछले का आंसर। इसका बताओ दोस्तों जल्दी से आंसर क्या आएगा? वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, इन चारों का आंसर क्या आएगा? हाँ जल्दी से बताओ इन चारों का। जस्ट अपने 7 बजे से क्लास फोकस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी होगी, तो जाकर यूट्यूब के ऊपर फोकस अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर ले। अभी वहां मैराथन चल रही है, अभी 7 बजे से वहां से रीजनिंग की क्लासेज है। हाँ जल्दी से बताओ, महाराष्ट्र, शाबाश, गलत आंसर है। जो नए आए हैं वो भी क्लास को लाइक और शेयर भी कर दे साथ के साथ। ध्यान रख लो, भारत का मैप याद है क्या? इंडिया का मैप इसी प्रकार का है क्या? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, यहां पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। तो आंसर कौन आएगा? वेस्ट बंगाल। ये आपके पास ईस्टर्न घाट के ऊपर है, ये बाकी तीनों वेस्टर्न घाट के ऊपर है। कौन है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के ऊपर है। कौन है? वेस्ट बंगाल पूर्वी घाट के ऊपर आपके पास में, और ये तीनों पश्चिमी घाट पे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और जो नए लोग हैं वो भी क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहे साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था आपका, तो ज्योग्राफी भी आपको आनी चाहिए रीजनिंग के साथ साथ में। जल्दी से बताओ क्या आएगा आज का, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। वार्ड आ गया, परामर्शदाता आ गया, शिष्य आ गया, विद्यार्थी आ गया, इन चारों में से अलग कौन? केरल नहीं होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बाद में अपन मिलते हैं फोकस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन हो जाइए। विद इन अपन 10 मिनट बाद वापस मिलेंगे फोकस अकेडमी के चैनल के ऊपर। हाँ जल्दी से बताओ, वार्ड आ गया, परामर्शदाता आ गया, शिष्य आ गया, विद्यार्थी आ गया, जल्दी से बताओ। मेंटोर हो गया आपके पास, वार्ड, बिल्कुल। रिचा, रिचा लेट आ रहे हैं आप तो। हाँ जल्दी से बताओ अलग कौन सा आएगा? वार्ड आएगा, बिल्कुल वार्ड। तो अलग कौन सा होगा इसका? वार्ड आंसर होगा। क्लियर है, कोई समस्या? तो आज अपना क्लासिफिकेशन टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, कल की क्लास से अपन नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अभी अपने जल्दी से जाकर अपने जो फोकस वाला जो आपके पास यूट्यूब चैनल है वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वही मैं आपको 7 बजे मैराथन के अंदर वन पाल वन रक्षक का जो मैराथन चल रहा वहां पर मैं आपको मिलने वाला हूं, तो वहां पर अपन ज्योग्राफी आपके सॉरी रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करेंगे। वहां पर अलग प्रकार के अपने पास पूरी रीजनिंग का एक सार लेकर आएंगे। 1 घंटे में अपन जितने भी टॉपिक है, यहां तो अपन टॉपिक वाइज करें, वहां सभी टॉपिकों के एक एक दो दो के एक एक दो दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अपन तुरंत कुछ 1 मिनट बाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।